हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा थर्ड चैप्टर रनिंग में है 12th क्लास का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में बच्चों, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम ये एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें दो एस्पेक्ट है बच्चों, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमें पता चलता है कि एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि हम सीख चुके हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एनोड। ये बात हमें पता है बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली ये चीज। तो अब हमारा दूसरा एस्पेक्ट है, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर बच्चों? तो देखो, इसका मतलब क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि कैथोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, ये बात तो हमें पता चल गया, लेकिन कितना होगा, क्वेश्चन ये आता है, हाउ मच। अब क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है, जैसे मान लो कैथोड पर मेटल बन रही है, क्लियर, तो मेटल का वेट कितना है ये पूछ सकता है वो, मतलब वेट पूछ सकता है। अगर एनोड पर कोई गैस बन रही है तो उसका वॉल्यूम कितना है, या फिर वो पूछ सकता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस अमाउंट में भी बन रहा है, उसमें कितना चार्ज आपने फ्लो करवाया, तो वो आई भी पूछ सकता है, या कितने टाइम तक फ्लो करवाया, तो ये भी पूछ सकता है, या फिर वो मोल्स भी पूछ सकता है, मोल्स बताओ, तो वेट भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी, चार्ज भी, टाइम भी, वेट, मोल्स भी, कुछ भी पूछ सकता है ना, हाउ मच। तो ये आज सब किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। प्रोडक्ट कौन बन रहा है ये तो हम सीख गए, लेकिन कितना बन रहा है इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसके लिए एक मैं फंडामेंटल चीज आपको समझा देता हूँ बच्चों, उस पर ध्यान रखो। सबसे पहले समझो कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बता चुका हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, यही तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो अब वो कह रहा है कि वन मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं जो कि इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पूरे में यूज होने वाली है बच्चों, ठीक है। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो ये पूछ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो वो पूछ रहा है कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। अब देखो ये एक चीज समझो, यहां पे वन मोल का मतलब क्या होता है बच्चों, वन मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 23, यही तो होता है, यानी वन मोल इक्वल एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, वन इलेक्ट्रॉन कितना है इतना, और वन मोल कितना होता है इतना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर बच्चों? तो ये आपका इक्वल आएगा 9486 कूलाम, 9486 इस कूलाम के इक्वल आएगा, सॉरी 96486 इसके इक्वल, इतने कूलाम के इक्वल आएगा। तो ओवरऑल बच्चों हम इसको मान लेते हैं 96500 कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है, 96500 कूलाम, ये वन मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बच्चों, इतना हो जाएगा 96500 कूलाम, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलाम चार्ज होगा, ये बात आपको याद रखनी है, पूरे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में यूज होगी बच्चों, इसलिए ये चीज मैंने आपको करवाई है, क्योंकि मैं हर जगह अब ये वाली वैल्यू यूज करने वाला हूं, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये वैल्यू कैसे आ गई, क्लियर, इस तरह से आ गई ये वैल्यू 96500 कूलाम। ओके बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ले लिया, वेरी गुड। अब देखो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब एक्चुअल में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें पता क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूं, पता करना है कि कितना कोई भी चीज बनेगी, कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो वो किस अमाउंट में बनेगा, कितना बनेगा। तो उसके लिए बच्चों हम, मैंने आपको क्या बताया था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हमें दो लॉ पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है हमें फेराडे फर्स्ट लॉ, और दूसरा फेराडे सेकेंड लॉ। तो आज इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, फेराडे फर्स्ट लॉ, ये हो गया हमारा पहला आज का टॉपिक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर फर्स्ट लॉ हो गया हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ, जो कि क्या बताता है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है।
ये हमें पता चलता है। अब देखो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि एक्चुअल में फैराडे लॉ बात क्या कहता है। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बताई थी, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ कि ये आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया और ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए इसमें और यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया था, ये बैटरी कनेक्ट कर दी थी, यही तो था, यही तो सेल बनाई थी। तो ये बैटरी है और ये आपने इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी कैथोड थी और ये आपकी एनोड थी, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे। अब कितना बनेंगे वही तो पता करना है, तो मैंने आप ब्रीफ आपको बता दिया। आप देखो समझो यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे फर्स्ट लॉ का कहने का मतलब इतना है कि चाहे एनोड पे या फिर कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चार्ज के। ये कहता है फैराडे लॉ। बस फैराडे लॉ क्या कहता है, एनोड या कैथोड पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के। चार्ज कौन सा है, ये जो बैटरी आपने कनेक्ट करी है ना, इसमें जो चार्ज फ्लो आप करवा रहे हो, तो जितना चार्ज आप फ्लो करवाओगे तो एक कैथोड एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस चार्ज के होगा। यानी जितना चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का वेट। समझ में आ गई बात, ये ही कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, यानी वेट ऑफ कैथोड एनोड प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। यानी जो भी वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बच्चों, चार्ज के हो जाएगा। बस यहीं से हम सारी चीजें स्टार्ट करते हैं अपनी, फैराडे फर्स्ट लॉ में फॉर्मूला निकालते हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक एक चीज एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझना है बच्चों आपको, बहुत प्यार से क्लियर करते हैं यहाँ पे सारी चीजें। अब देखो ये चीज होगी, अब आप जानते हो Q का मतलब क्या होता है, I into T, करेंट into टाइम। चार्ज किसको बोलते हैं, करेंट into टाइम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज, यानी Q। अब देखो समझो, मैथमेटिकली कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे W इक्वल जेड into Q। यहां पे क्या लगा दिया, जेड, तो जेड ये क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट हो गया। कौन सा कॉन्स्टेंट हो गया, ये बच्चों हो गया आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर हो गया बच्चों, डब्ल्यू इक्वल जेड इंटू क्यू, समझ में आ गया बात, क्लियर हो गई बात। अब देखो डब्ल्यू तो आपको पता चल गया वेट, क्यू पता चल गया आपको चार्ज, अब बात आती है कि जेड, कि जेड की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो जेड की अगर वैल्यू निकालोगे तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, समझो, सिंपल है। अगर Z की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या होगा, Z इक्वल W इंटू क्यू हो जाएगा बच्चों, समझो इस चीज को, Z इक्वल W अपॉन क्यू, ठीक। अब देखो Z की वैल्यू निकालने का तरीका बताऊं, अगर यहां पे आप लिखो कि लेट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, ठीक है, लेट द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल 1 कूलम। अगर हम क्यू की वैल्यू क्या रख दें, 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज हमने कितना फ्लो करवाए, सिर्फ 1 कूलम। अगर 1 कूलम कंडीशन हमने लगा दी यहां पे, लेट द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल 1 कूलम, अगर 1 कूलम वैल्यू हमने किसकी रख दी, चार्ज की, तो उस केस में जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड इक्वल सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 की रखो, देखो अगर क्यू की जगह मैंने वैल्यू क्या रख दी, 1 कूलम, तो जेड इक्वल सीधा किसके हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इससे क्या पता चल गया कि जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जेड के, यानी जो डब्ल्यू होगा वही किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। अब देखो मैं आपको ना एक उससे समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एग्जांपल को समझो, ठीक है। जैसे सपोज करो एक सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है कि ये कैथोड पे रिड्यूस हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एक कूलाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, Na पॉजिटिव है, एक कूलाम मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये Na में कन्वर्ट हो गया, क्लियर, ये एक रिएक्शन हो गया किस पे, कैथोड पे, इसको हाफ रिडक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, ये चीज हो गई। अब देखो समझो यहाँ पे, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं, 1 मोल Na दे रहा है, समझो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, 1 मोल Na दे रहा है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, 96500 कूलाम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अभी मतलब बताया मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 96500 कूलाम, और 96500 कूलाम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल Na, 1 मोल Na का मतलब क्या होता है, 23 ग्राम, यानी
वन मोल का इक्वल क्या होता है एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, उसके मास से होता है बच्चों। तो सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम। तो अब देखो इन दोनों का मतलब क्या निकल के आया कि अगर मैं 96500 कूलाम का करंट पास करूं तो मुझे 23 ग्राम सोडियम मिलेगा। समझ में आ गई बात। लेकिन हमने वैल्यू यहां पे क्या रखी है 1 कूलाम, तभी तो हम जेड निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे 1 कूलाम करंट पास कर रहा हूं तो उस केस में मुझे जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या सिंपल फॉर्मूला आपका तरीका क्या बनेगा जेड निकालने के लिए, यहां पे 23/96500 इंटू यहां पे मैं 1 लगा देता हूं। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है n फैक्टर, और सोडियम का n फैक्टर कितना होता है 1। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या हो गई इसकी जेड की वैल्यू, समझो इस चीज को, वहां पे क्या हो गया जेड की वैल्यू। अब देखो एक्चुअल में जेड निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ये होता है मेन फॉर्मूला जेड निकालने का। जेड इक्वल एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। क्लियर हो गया बच्चों ये। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं और फर्दर टॉपिक्स आपको आगे और फॉर्मूले कराता हूं। अब देखो मैं यहाँ पे आपके कितने फॉर्मूलेज अभी मैं तैयार कराता हूँ आपके, इसको रफ करते हैं। अब एक एक करके मैं आपको हर एक चीज का फॉर्मूला निकालना बता दूंगा कि वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या करंट निकालना है तो कैसे। हर एक चीज का मैं इंडिविजुअल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ बच्चों एक ही फॉर्मूले से। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे हमारा मेन चीज क्या आती है डब्ल्यू इक्वल जेड इंटू क्यू, ये था, और क्यू का मतलब क्या था बच्चों आई इंटू टी, यही तो था। अब देखो ये दोनों चीजों को माइंड में रखो, मैं फॉर्मूला बनाना शुरू करता हूं यहां पे। अब देखो अभी हमने जेड के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, अभी मैंने आपको क्या बताया था जेड के लिए, अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको एटॉमिक मास अपॉन या फिर मॉलिक्यूलर मास, चाहे तो एटॉमिक मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो, अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, यही तो पढ़ा था बच्चों, अभी मैंने यही तो बताया आपको फॉर्मूला जेड निकालने के लिए। अब देखो ये जेड की आ गई, अब ये जेड की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। अगर आपको W निकालना है, देखो Z निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे Z के लिए। अगर आपको W निकालना है, मैं डायरेक्ट एक एक सीधे सीधे फॉर्मूले बता देता हूं आपको। अगर W निकालना है आपको तो देखो W का मतलब क्या होता है Z इंटू क्यू, और Z की वैल्यू क्या है ये, तो Z की वैल्यू तो यहां रखो, तो यहां पे क्या आएगा एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। अब देखो यहां पे क्यू की वैल्यू भी रख दो, क्यू का मतलब क्या होता है आई इंटू ट्यू, तो आई इंटू ये किसका, देखो सीधा फॉर्मूला किसका बन गया W निकालने का बन गया, ये सीधा फॉर्मूला किसका बन गया Z निकालने का बन गया। मैं सीधे सीधे फॉर्मूले आपको बता देता हूं। अब देखो यहां पे एक चीज समझो, एक यहां पे एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको गौर से देखो, इस वाले को W वाले को गौर से देखो। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ये बच्चों मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, एक मिनट बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है कि नहीं होता बच्चों, हमने पढ़ाया सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है बच्चों, समझो इस चीज को। तो देखो एक और फॉर्मूला डब्ल्यू का बन जाएगा यहां पे, शायद आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा कि इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। देखो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया यहां पे, चीजों को समझा करो। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों को जगह हम क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट मास हमने रख लिया ना, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास आई इंटू टी अपॉन 96500 आ गया ना निकल के बच्चों, ठीक है। अब देखो ये क्लियर हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं। क्लियर बच्चों, अब देखो मैं ऊपर रफ कर देता हूं इस वाले को। अब देखो यहां पे समझो, अब मैं यहां पे इसको मैं अगर इधर लेके आ जाऊं यहां पे,
इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बच्चों यहां पे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कोई भी चीज रख लो, मैंने मॉलिक्यूलर मास रख लिया यहां पे, गिवन मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैंने कर लिया, तो यहां पे क्या बचेगा देखो आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू क्या बचेगा यहां पे इंटू एन फैक्टर। मैं इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, देखो इसकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे इधर लेके आ जाऊं तो W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, यही तो बचा बच्चों। अब देखो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, देखो कहां कहां से फॉर्मूले निकाल रहा हूं मैं, ड्राइव कर रहा हूं। मैंने आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया था गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है ना। तो देखो आगे ना मैंने आपको बताया था ना कि मोल्स ऑफ मोल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो कहां से आपको उमना में इंडिविजुअल फॉर्मूले, इसीलिए बच्चों आपको बता रहा हूं कि एक एक फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना, आप सीधे सीधे फॉर्मूला उठा के लगा सकते हो। अगर मोल्स पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों, अब देखो यहां से मोल्स निकाल लो, आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, यही तो करोगे। ये देखो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया आपको, क्योंकि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है बच्चों, एन के इक्वल होता है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एन के इक्वल होता है, तो एन इक्वल आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। देखो हो गया ना आपका मोल्स निकालने का भी फॉर्मूला हो गया आपको, समझ में आ गई बात, यहां से आप मोल्स भी निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला मैं ड्राइव करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, इन दोनों फॉर्मूले को रफ कर लेता हूं। अब देखो समझो यहां पे एक और फॉर्मूला आपका निकलेगा किस तरह से, कि देखो अब देखो n का मतलब क्या होता है, जो मोल्स होते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं कि मोल्स ये कैसे होते हैं, ये एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों, किसके मोल्स एंटी प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, यही तो होता है, मोल जो होते हैं वो एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके n फैक्टर के, यानी मोल्स एंटी प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, क्लियर, मोल्स एंटी प्रोपोर्शनल किसके होते हैं n फैक्टर के। तो देखो यहां पे क्या बनेगा, मोल्स एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन n फैक्टर, यानी ये सीधे किसके एंड, ये देखो ये n फैक्टर और ये मोल्स, और मोल्स क्या होते हैं एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके n फैक्टर के। तो देखो ये चीज निकल के आएगी n इक्वल वन अपॉन n फैक्टर, मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल n फैक्टर, क्लियर। अब देखो कोई चीज, अब देखो मोल्स किसके हो सकते हैं, मोल्स ऑफ कैथोड के भी हो सकते हैं, मोल्स ऑफ एनोड के भी हो सकते हैं, उसकी तरह n फैक्टर एनोड का भी हो सकता है, n फैक्टर कैथोड का भी हो सकता है। जब कोई चीज एंटी प्रोपोर्शनल होती है तो बच्चों क्या हो जाता है, देखो समझो, मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड इक्वल्स n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड, यही तो हो जाएगा। तो देखो एक और फॉर्मूला यहां पे बन गया आपका ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मोल्स के केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया, वेरी गुड। अब देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए यहां पे, अब ये पूरा आपका क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। ये सभी फॉर्मूले को हम यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि एनोड पे या कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो किस अमाउंट में बन रहा है, प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है वो तो हम क्वालिटेटिव के थ्रू पता करेंगे, लेकिन कितना बन रहा है वो हम कैसे पता करेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ के थ्रू, क्लियर बच्चों। अब चाहे तो वो मोल्स पूछ ले, करंट पूछ ले, टाइम पूछ ले, वेट पूछ ले, या फिर जेड की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब हम इस वीडियो में बाइंड अप करता हूं, अगली वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, कि अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो बी हैप्पी, बाय बाय।